हिंदू होने के साथ साथ किसी और धर्म से मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, और हिंदुस्तान के अंदर धर्म को बांटना या धर्म को दूसरे दृष्टि से देखना, मैं इसको बहुत गलत समझता हूँ। कभी भी भविष्य में जो है ना, अगर कोई आपको गलत कहता है, गलत कह के अगर उसको संतुष्टि मिलती है, उसकी बात सुन लेनी चाहिए। यदि आपसे वो झगड़ा करता है तो एक बार आपको चुप हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चुप रहना ही आपके जीवन का एक अनमोल विजय का कारण बनता है। माता जी की बात मैं ये कहूँगा कि मैं अपने माता जी का तीसरा बेटा था, और मुझे अपने परिवार में सभी लोग ये कहते थे कि ये सबसे बेकार लड़का है, क्योंकि शैतानी बहुत करता है, नटखट बहुत है। लेकिन मेरी माता जी हमेशा एक बात कहती थी कि यही मेरा बेटा एक ना एक दिन काम करेगा, एक ना एक दिन जो मुझे मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा। विधानसभा के मेरे क्षेत्र के सभी निवासियों को नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत सिंह पवार है। अभी मैं निगम पार्षद आम आदमी पार्टी वार्ड 43 से हूँ, और अपना जो क्षेत्र है मेरा कार्य क्षेत्र जो है प्रेम नगर लगता है, किवाड़ी विधानसभा लगता है। मूलत पैदाइश तो मेरी जो है बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। वैसे मैं रहने वाला हूँ बिहार खगड़िया से, और पूरी तरह से पूर्वांचली हूँ मैं, और ये मेरा सौभाग्य है। मेरे माता पिता सन लगभग 62-63 के करीब जो है दिल्ली में आके उन्होंने जो यहाँ पर जो है अपना व्यवसाय के लिए आए थे, और उसके बाद जो है हम लोगों को भी फिर जब थोड़े से करीब हुए तो फिर वो दिल्ली में हम लोगों को लेके आए। उसके बाद हम लोगों का पूरा जीवन काल जो है बिहार से जो है दिल्ली में ही बीता। पढ़ाई लिखाई से लेकर अपने जो है कर्म भूमि तक जो हमारा दिल्ली ही है। पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह, और माताजी जो हैं स्वर्गीय श्री प्रमिला देवी। हम लोग परिवार में जो है चार भाई हैं, चारों भाई यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, सभी का अपना व्यवसाय है। शादी के लिए बात करें तो मेरे लिए बहुत एक ऐसा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा, दिल्ली के माहौल में बड़ा पला बड़ा हुआ, और यहाँ के माहौल में रह के और बिहार में जाके शादी करना एक बहुत अजीब सी बात होती है। लेकिन चूंकि मैं बिहार पूर्वांचल से हूँ, तो कहीं ना कहीं बिहार के संस्कार को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और आज भी इसका संस्कार मेरे अंदर है। तो मैंने सन 2001 में जो है मुजफ्फरपुर की लड़की जिनका नाम मुन्नी देवी मुन्नी सिंह पवार हैं, उनके साथ मेरा विवाह हुआ। सन 2003 में हम दोनों को एक सुपुत्र पैदा हुआ, और जिसका नाम कार्तिक सिंह है। और फिर तीन साल बाद जो है मुझे एक बेटी प्राप्त हुई लक्ष्मी के रूप में, जिसका नाम कृतिका सिंह है। तो आज मेरे परिवार की बगिया में एक मैं, एक मेरी धर्मपत्नी और दो बच्चे हैं, जिसे एक मैं बहुत अच्छा संपन्न परिवार समझता हूँ। और मेरे परिवार की जो ये छोटी सी बगिया है, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ प्रेम नगर का निवासी हूँ और यहीं अपने जनता के बीच में रहता हूँ। तो सुबह 6 बजे से लोग घर में आना शुरू कर देते हैं, और हम लोग सैनिटरी को विशेष देखते हैं, साफ़ सफाई को देखते हैं। तो साफ़ सफाई की समस्या ऐसी है कि लोग सुबह उठते ही उनको साफ़ सफाई की याद आती है, और याद आने के साथ साथ जो है उन्हें पार्षद जी का घर भी दिखाई देता है पास में है। तो चूंकि कुछ फ़ोन कॉल ना करके, कुछ ना पूछ के सीधा उनके घर पर चला जाए, तो सुबह 6:30 बजे प्रातः से ही जो है मैं जनता के देख रेख में लग जाता हूँ, जिसमें मेरी धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा मेरी मदद करती हैं। चाहे वो किसी भी तरह के लोग घर पे आए हैं, कोई जनता आए हैं, किसी भी समस्या के लिए आते हैं, तो मुझसे ज़्यादा वो उनकी केयर करती हैं, उनको पूरी तरह से बिठाना, उनके लिए चाय बनाना, उनकी बातें सुनना, यदि मैं नहीं भी हूँ घर पे तो भी उनकी बात सुन के उनको संतुष्ट करना और उनकी समस्या को जानना। और कहीं ना कहीं मैं अपनी धर्मपत्नी से अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर धर्मपत्नी आपकी जो है 100% जो है आपकी संगनी
आपका साथ अगर देती हैं तो जीवन में सारी कामयाबी आपको तभी मिलती है जब वो आपके साथ है। प्रावीण शिक्षा की बात करें हम, तो हम लोग जो है सन 78-90 में जो है मंगोलपुरी जेजे कॉलोनी में आ गए थे रहने के लिए। तो उस समय मेरी जो प्रावीण शिक्षा वहीं पहली क्लास से MCD स्कूल से शुरू हुई दिल्ली के, और उसके बाद जो है मैंने पाँचवीं तक के जो है मंगोलपुरी एस ब्लॉक में जो है शिक्षा प्राप्त किया, जो कि उस टाइम के लिए जो है एक अनोखी बात होती थी। और उसके बाद जो है ठीक छठी के बाद जो है मंगोलपुर यू ब्लॉक का स्कूल है, जो स्कूल हम लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाया उस समय। और मुझे याद है उस स्कूल के अंदर जो टेंट लगाने काम से लेकर टीन लगाने तक के काम को भी हमने अपने हाथों से किया। उस स्कूल में हमने आठवीं तक की क्लास पास की, उसके बाद देन फिर मंगोलपुर मेरी दसवीं तक की। फिर जो मैंने बारहवीं जो है, क्योंकि मेरे परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जो है ना पढ़ाई के बीच में थोड़ी हमारी दिक्कतें आने के कारण फिर मैंने जो है बारहवीं जो है ओपन से किया। उसके बाद निरंतर मैं पढ़ता रहा, पढ़ाई नहीं छोड़ा, आज भी जो पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। राजनीति के अंदर जो है आने का मेरा कारण केवल ये था कि मेरे पिताजी जिस तरह से समाज सेवा करते थे, बहुत सारे लोगों के बीच में मिलना जुलना होता था, बहुत लोगों के बीच देखता था मैं पिताजी के। मेरे पिताजी जो है दिल्ली प्रदेश में राजपूत समाज के भी सदस्य रहे, समाज के लोग भी आते थे, और बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना, उनका काम करने का जो तरीका था, कोई बीमार पड़ गया तो उसको अस्पताल में लेके जाना, यदि किराए के लिए उसके रिक्शे के लिए पैसे नहीं तो उसको अपनी जेब से पैसे देना, ये सारी चीज़ें देख के मैं पिताजी से पूछता था कि आप इतना परेशान क्यों होते इस तरह की। तो कहीं ना कहीं वो कहते थे मुझे कि इस काम को करने के बाद जो प्रसन्नता मिलती है, जो खुशी मिलती है, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। शायद उस टाइम मैं उन बातों को नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैं वो बात समझने लगा तो वहीं से मुझे राजनीति में आने की प्रेरणा मिली, जो मुझे लगा कि मुझे भी राजनीति में जाकर जो है मुझे जो लोगों की सेवा करना चाहिए। मुझे पुणे 2003 में भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले मुझे जो है युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद जो है 2007 के अंदर मैंने यहाँ जो यहाँ वार्ड का चुनाव हुआ उसके लिए काम किया। उसके बाद 2008 के अंदर मैंने विधानसभा चुनाव के लिए काम किया। 2000 जो है फिर आगे 2012 में मैंने अपने लिए काम किया। 2013 में जो है जब आम आदमी पार्टी बनी, तो आम आदमी पार्टी जब बनी तो मुझे आम आदमी पार्टी में जो अरविंद जी की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है, वो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बातों में और उनके जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं, मतलब आज जीवन में जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में उनकी सोच थी, जो उनकी सोच थी उस सोच को मैंने सलाम किया और मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, और तभी से आज मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, उसकी सोच के साथ हूँ, अरविंद जी की सोच के साथ हूँ मैं, और आज आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद भी हूँ। राजनीति में अगर आगे बढ़ने की हम प्रेरणा करते हैं तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने पिताजी को कहूँगा, क्योंकि अपने पिताजी को देखते हुए ही जो है उनसे मुझे शक्ति मिली, साहस मिला, और उनके आशीर्वाद से ही ये सब कुछ संभव हुआ, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि, उनकी इच्छा जो मेरे अंदर जागरूक हुआ, जो इच्छा आज उस इच्छा के जो माध्यम से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मैं इसके लिए अपने पिताजी को ही कहूँगा कि ये मेरे प्रेरणा स्रोत जो है मेरे पिताजी ही हैं। हम लोग निगम पार्षद हैं, और दिल्ली के अंदर निगम पार्षद की स्थिति आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और ख़ासतौर से अगर हम नॉर्थ MCD की बात करें तो नॉर्थ MCD में आज भी जो है सफाई कर्मचारियों को 8-8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलता है, 6-6 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिलता है, किस तरह से उनका परिवार चलता है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ MCD की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैं एक अनऑथराइज कॉलोनी का पार्षद हूँ। अनऑथराइज कॉलोनी का पार्षद का मतलब है कि अगर आप जो है कहीं भी एक पैसा अगर आप अपना फंड लगाना चाहते हैं, क्योंकि MCD के अंदर कोई फंड अगर मिलता भी है तो कोई ठेकेदार उसको काम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको 5-5, 6-6 साल बाद पैसा मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि कोई छोटा मोटा काम ठेकेदार हमारे क्षेत्र में करना भी चाहे तो अनऑथराइज कॉलोनी की वजह से यहाँ वो कुछ नहीं कर सकते, ना वो कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। जनता को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जनता मुझसे बहुत सारी चीज़ें अप्रिशिएट करती है कि मैं उसके लिए बहुत कुछ करूँ, लेकिन मैंने जीतने के बाद जो है अपने साथियों के माध्यम से, जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ जो हमेशा राजनीति क्षणों में रहते हैं, पलों में रहते हैं, मेरी मदद करते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर
मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो है इस पूरे विधानसभा में, बात तो बहुत छोटी सी है कि यहाँ एक यूनियन जो पेशाब घर कहते हैं, पूरे विधानसभा में 8 लाख की आबादी में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। बड़े हमारे इस विधानसभा के लिए शर्म की बात है, एक भी रैन बसेरा नहीं है, एक भी कहीं टॉयलेट नहीं बना हुआ है। लेकिन मैंने जीतने के बाद सबसे पहले एक छोटा सा पेशाब घर बनवाया, तो बहुत छोटा काम था लेकिन क्षेत्र में बहुत लोगों को खुशी मिली। अब कहीं ना कहीं छोटा सा एक मजदूरों को बैठने के लिए बनाने के लिए, प्याऊ बनाने के लिए, ये सब हम लोग अपने पर्सनल स्तर पे कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अभी विशेष तो मेरी इच्छा यही है कि इस वार्ड के अंदर जो है पूरा 1.5-2 लाख लोगों की आबादी है यहाँ पर, और इस पूरे वार्ड के अंदर जो है अभी एक भी MCD का स्कूल या दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है। और मेरे वार्ड के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 5 और 6 साल के बच्चे हैं, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन उस पार पढ़ने जाते हैं। जब आप यह दृश्य अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी ना कहीं हार्डली रोना आ जाएगा। तो मेरी कोशिश यह है कि मेरे वार्ड में MCD के द्वारा मैं सबसे पहले तो एक स्कूल बनवाऊँ, जिसके लिए मुझे जगह चाहिए। जगह चूंकि यहाँ है नहीं, एक ही जगह है DDA की, और DDA वो ज़मीन जल्दी दे नहीं रही है, मैं उसके लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे मेरे वार्ड में एक ग्राम सभा की कुछ ज़मीन है, जहाँ यहाँ के कुछ भूमाफिया लोग उसको कब्जा भी करना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए शिकायत की है, और मैं उस ज़मीन को उन लोगों से बचा के मैंने MCD का दौरा भी कराया है, और उस ज़मीन पर जो है मैं एक पार्क बनाने का सपना देख रहा हूँ, ताकि यहाँ मेरे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके कहीं उठने बैठने तक की जगह नहीं है, शाम को बैठकर अगर वो ताश खेलना चाहे, कहीं चौपाल में बैठना चाहे, तो उनके लिए 1 इंच भी जगह नहीं है, तो मैं उस पार्क को बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं, तो मेरी एक कोशिश ये भी है कि एक मैं यहाँ पर छोटा सा छठ घाट भी बनवाऊँ। तो ये 3 मेरे लिए अभी विशेष काम है, एक स्कूल बनवाना और एक छठ पूजा घाट बनवाना, और साथ ही साथ एक छोटा सा पार्क बनवाना। राजनीति में आने के बाद मुझे पता लगा कि राजनीति में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, और चुनौतियाँ कहीं बाहर वालों से नहीं होती हैं, चुनौतियाँ हमेशा अपने नज़दीक वालों से होती हैं। तो कुछ इस प्रकार की भी चुनौतियाँ हैं जिसको हम कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन उनका संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम, हमारे साथी, हमारी यहाँ की जनता, उन्होंने मुझे बहुत साहस दिया हुआ है, मतलब हर जगह मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो हर चुनौतियों का हम सामना करते हैं। और कुछ चुनौतियाँ ऐसी भी हैं जिस चुनौतियों से आप सामना करते हुए आप पॉलिटिकल कैरियर में आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे आज भी जो है यहाँ ये कम्पटेटर मानते हैं कि मैं यहाँ का जो है विधायक पद के लिए मैं दौड़ में हूँ, ये दौड़ में हूँ, वो दौड़ में हूँ, ये यहाँ का एक पूर्वांचल होने के नाते ये मजबूत चेहरा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के लेकर लोग मेरे मतलब करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपना एक क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, जनता के लिए आपको काम करना चाहिए, और इन सब चीज़ों के बीच में जो भी चुनौतियाँ आएंगी मैं उसका सामना करूंगा, और जनता का साथ लेते हुए मैं इस क्षेत्र का पूरा विकास जितना कर सकता हूं कर रहा हूं और करने की कोशिश करूंगा। अगर सफलता की बात करें तो मेरी सबसे बड़ी सफलता मेरे साथी लोग हैं, जो बचपन से लेकर मुझे साहस, हिम्मत, और बहुत अगर मुझे पैसे की भी जरूरत पड़ती है तो मुझे हर तरह की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मेरा जो अपना ग्रुप है बचपन से लेकर आज तक, वो हमेशा मेरा साथ देता आया है, तो इसी ये ग्रुप मेरे साथ हमेशा बना रहे, मेरे साथी हमेशा बना रहे, जनता का प्यार बना रहे, और ये जब बना रहेगा तो मैं किसी भी सफलता को पहुँचने के लिए जो ना मैं समझता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपके साथी और एक कहते हैं ना आपकी टीम मजबूत हो तो फिर आप कुछ भी अचीव करना चाहे समय लग सकता है, लेकिन वो आपको मिलेगा। राजनीति के बाद ना दूसरे हॉबीज़ हैं अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और उससे भी अगर पहले बात कहूँ तो मुझे मेरा परिवार बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर सेकंड प्राथमिकता किसी को देता हूँ तो पॉलिटिक्स के बाद अपने परिवार को देता हूँ, हालांकि मेरी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो है मैं उसको पूरी तरह नहीं निभा पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जब भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता है अपने बच्चों के बीच में रहकर उनके साथ घूमना फिरना, कहीं बाहर जाके खाना खाना या बाहर 1-2 दिन के लिए घूमने चले जाना, जिससे थोड़ा मुझे भी एनर्जी मिल जाता है। घूमने की जगह तो ज़्यादातर जब मैं कभी भी जाता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों से पूछता हूँ। मेरी मिसिज़ को जो है हिल साइड बहुत पसंद है,
हालांकि मुझे भी बहुत पसंद है। तो हम कहीं ना कहीं जब कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो सोचते हैं कहीं पहाड़ों में जाए जहाँ दिल्ली से अलग एक स्वच्छ हवा मिले और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य हो। मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। बचपन से ही मेरा पालन पोषण जो है पंजाबियों के उसमें हुआ। पंजाबी लोग थे, उनकी गोदियों में पला बड़ा मैं। और पंजाबियों के बीच में रहने के बाद जो है मुझे लोग बचपन में पंजाबी मुंडा कहने लग गए। उसके बाद मेरा जो कुछ साथी बने वो क्रिश्चियन लोग थे। तो मैं बचपन में, मुझे याद है कि मैं कम से कम 3-4 साल तक चर्च भी गया। मैं संडे को चर्च जाना, उनकी सारी किताबों को पढ़ना, उनके साथ रहना, बहुत सारी चीज़। उसके बाद जो है आज अगर मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं तो मुस्लिम धर्म में धर्म के लिए मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं। चाहे उनके कहीं कोई काम हो, कहीं जुलूस हो या किसी भी तरह का काम हो, आज वो लोग मेरे से बिल्कुल इस तरह से भाई की तरह आगे मिलते हैं। मतलब मेरे साथ अगर मैं धर्म की बात करूं तो मैं सब धर्मों को मैं मानता हूं। मैं मेरे लिए तो देखिए अरविंद जी से बढ़कर तो आज आम आदमी पार्टी में कोई नहीं है, क्योंकि आज हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री जी के जो सोच है उस सोच के साथ हैं। लेकिन अगर हम फिर भी बात करें तो चूँकि हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय भैया हैं जो मुझे पार्टी में भी लेके आए, और कहीं ना कहीं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और संजय भैया जो है उनके जो वो एक राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता भी हैं, उनके बातों में, उनकी जो भाषणों में जो बात होती है वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई व्यक्त करते हैं, इस देश की उस नस को छूते हैं जो सुनने वाला कोई भी आदमी अगर कहीं जाता जा रहा हो तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को, उनकी वक्ताओं को सुनकर रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे दूसरे अगर मैं बात कहूँ तो संजय भैया है मेरे लिए, संजय सिंह जी। मैं बचपन से ही राजनीतिक संगठनों से बहुत सारा जुड़ा हुआ हूँ, और हमारी एक MSEC सोसाइटी भी चलती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और हम लोग गरीबों को बहुत बहुत ही कम ब्याज दर से लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि ये तिराड़ी विधानसभा में बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, गरीब गुरबा लोग रहते हैं, 5-10-15 हज़ार रुपये के लिए जो है बेचारे कहीं ना कहीं अपना जेवर रखना, मकान के कागज़ भरना। तो ये सब चीज़ों को देखा जा बने तो हमने आज से 7-8 साल पहले एक सोसाइटी बनाया MSJJ, उसके माध्यम से आज हम गरीबों को उसमें बहुत मदद करते हैं। साथ ही साथ मैं कई NGO का भी पार्ट हूँ। मैं उसके साथ साथ लोगों को जागरूक करना, बहुत सारे विषयों पर काम करना, महिलाओं के विषय पर काम करना, यूथ के विषय पर काम करना, स्पोर्ट्स के विषय पर काम करना, समाज के विषय पर काम करना, इन सब विषयों पर हम लोग समय समय पर काम करते हैं। उसके साथ साथ जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन सब में भी जाके हम लोग हिस्सा लेते हैं। और जगह जगह कहीं भी कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें अपनी तरफ से पूरी तरह से योगदान करना, उस कार्यक्रम को सफल करना, इन सब चीज़ों में मेरी विशेष रुचि रहती है। सबसे पहले सुबह शरीर को समय देके, साथ साथ भगवान को समय देते हुए, उसके बाद जो है जनता सुबह सुबह, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह 6 बजे से जनता 7 बजे से आनी शुरू हो जाती है, तो सब चीज़ों को समझते हुए लोगों से मिलते जुलते जो है अपना जो दिन का कार्यक्रम है उसमें सुबह कार्यालय में बैठना, फिर उसके बाद जनता से मिलना, क्षेत्र में जाके काम करना, क्षेत्र की समस्या पे मिलना। और यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मतलब किसी भी टाइम आपके सामने आती है तो वहाँ जाके उसको समाधान करना या आपको उसको बुला के समाधान करना दिन में, और शाम तक जो है फिर कहीं ना कहीं जो है अपने ऑफिस में भी बैठ के 1-2 घंटा लोगों से बातचीत करना, क्षेत्र में शाम को लोगों के साथ जाके चाय पीना, लोगों से मिलना, उनकी बातों को समझना। मैं समझता हूँ कि अगर कोई जनता आपके घर आती है वो तो आप एक समस्या के लिए आपके पास आई, लेकिन अगर आप जनता से जाकर उनकी समस्या पूछते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज आता है आपके लिए, जो काम मैं करता हूँ शाम के लिए। मैं इसमें ये मानूंगा कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है मेरे जीवन में, जैसे ही मैंने आपको बताया, आज मेरी उम्र जो है 46 साल हो चुकी है। इस 46 साल की उम्र के अंदर जो है, मैं 46-47 साल की उम्र के अंदर में अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरे पास बचपन से लेकर अब तक मैंने अनेकों राज्यों में जाके काम किया, अनेकों जगहों पे मैं गया हूँ। तो हर जगह मुझे जहाँ भी जाता हूँ, मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए या भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए, कि मैं वहाँ पर जो है ना भगवान रूपी मेरे दोस्त, मेरे मित्र मेरे वहाँ मिल ही जाते हैं, और वो लोग मुझे हर जगह कोई ना कोई सपोर्ट करते हैं। अभी पीछे आम आदमी पार्टी के लिए मैं 1.5 साल मैंने पंजाब में काम किया,
पंजाब में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब माहौल ठीक नहीं है, लेकिन जब मैं पंजाब में काम करने गया तो मुझे जो मेरे साथी मिले वो मुझे ऐसे मिले जैसे मेरा परिवार मिल गया। आज मैं इस वार्ड में रहता हूँ तो मैं किसी क्षेत्र में जाता हूँ, लोग कहते हैं निगम पार्षद इसके साथ कोई आदमी नहीं घूमता है। मैं ये मानता हूँ कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, अकेले जाना भी चाहता हूँ, साथियों के साथ भी जाता हूँ, तो मुझे एक ऐसा महसूस होता है मैं अपने परिवार में घूम रहा हूँ। तो मुझे किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए मैं कहूँ कि इसने मेरा सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है। मैं तो हर जगह मैं सोचता हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मेरे सारे सपोर्टर हैं, सब मुझे अपना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। देखिए मैं तो युवाओं को अपनी तरफ से, सभी युवाओं को, मेरे भाइयों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो है ना, हमारे हिंदुस्तान के अंदर रोज़गार का जो सपना देख के हम पढ़ते थे कि हम पढ़ने के बाद एक रोज़गार करेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, अपने परिवार को अपने फैमिली को अच्छा पालन पोषण करेंगे और एक अच्छे नागरिक की तरह, एक हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक की तरह अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो मैं उन युवाओं को अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि चूँकि किसी भी कारण से हिंदुस्तान में आज रोज़गार आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सोच के साथ आपने अपने आप को डेवलप किया एक रोज़गार के लिए, आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में आप रोज़गार का सपना ना देखकर स्वयं को मजबूत करने का सपना देखें, स्वयं को आप रोज़गार देने की क्षमता में आएं। शिक्षा की बात करें तो कोई भी गरीब जिसके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है उनकी तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ना है। लेकिन जो थोड़े से दो पैसे ठीक कमाते थे वो सरकारी स्कूल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, मनीष जी ने जो अगर शिक्षा के लिए काम किया, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आप नहीं कह रहे, वो जनता नहीं कह रही है, इसका तो दूर छोड़िए, अपना देश दिल्ली छोड़िए, देश छोड़िए, विदेशों में भी इसकी चर्चा है कि अगर आज इस 21वीं सदी के अंदर शिक्षा पे किसने सबसे ज़्यादा काम किया, शिक्षा में सबसे ज़्यादा किसने विकास किया, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया जी ने विकास किया। आज अगर चिकित्सा की बात करें तो आज आपको 1 रुपये की दवाई हो, 1 लाख रुपये की दवाई हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अस्पताल से मिलेगा। अगर आपके पास अस्पताल में वो दवाई अवेलेबल नहीं है, वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो किसी प्राइवेट दुकान से, प्राइवेट अस्पताल से आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, जिसका पे दिल्ली सरकार करेगी। अरविंद जी सभी जानते हैं कि अरविंद जी जो है इतने बड़े ऑफिसर थे, चाहते तो अपने जीवन को बहुत अच्छा बिता सकते थे। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि एक अच्छे जीवन को छोड़कर कांटों की राह पे चलना पसंद करते हैं, वो काम अरविंद जी ने किया। अरविंद जी ने अपने लिए अगर सोचा होता तो शायद आज वो खुश होते, आज अपने जीवन को बहुत अच्छा जी रहे होते, क्योंकि दोनों दंपति जो हैं, धर्मपत्नी भी उनकी अधिकारी हैं, ये भी अधिकारी थे, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं था। लेकिन ऐसा उनके मन में विचार आया देश को बदलने का, दिल्ली को बदलने का, वो कांटों वाली राह पे चल पड़े। उनको क्या जरूरत थी बिजली के खंभों पे चढ़कर किसी की लाइट जोड़े, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पीड़ा थी गरीबों के लिए, और वो पीड़ा उनको जनता के बीच में लेके आई। उन्होंने जनता के लिए काम किया और उस काम को मैं ही नहीं, दिल्ली की जनता भी सलाम करती है, नमन करती है उनको, कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल हम सब के लिए एक ऐसा भगवान बनकर आए जो दिल्ली की जनता को नहीं, दिल्ली की तस्वीर को बदल के रख दिया। आज आप ये देखिए, हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली और मुफ्त पानी, जिस पानी की कीमत की अगर हम बात करें तो आज इस पानी को ही यहाँ तक पहुँचाने के लिए इतनी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, जो पानी जनता तक एकदम फ्री पहुँचता है। मैं ये कहूँगा देश हिंदुस्तान दो चीज़ से जाना जाता था आज भी और पहले भी, जय जवान जय किसान। तो आज भी देश का जय जवान है और जय जवान रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जो जय जवान है आज भी मुँह तो जवाब देने के लिए जो है ना परिपक्व है, सक्षम है। लेकिन थोड़ी सी विडंबना आ गई है जय किसान पर, कि किसान देश के अंदर आत्महत्याएं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको युवाओं के लिए बताया था, किसान के लिए भी कहना चाहूँगा, आज हमारे देश में जो है जगह जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, मैं किसी पार्टी के पर कोई छींटाकशी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हमारा देश जय जवान जय किसान था और जय जवान जय किसान है, तो इसके लिए सबको सोचना पड़ेगा। अगर किसान नहीं होगा
तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जीवन भी नहीं होगा। अगर युवा और देश का किसान मजबूत है तो हमारे देश को देश का विश्वगुरु बनाने के लिए जो है कोई रोक नहीं सकता।